हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बाढ़ का संकट कुदरती है, लेकिन कई इलाकों में सिस्टम की नाकामी ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। बिल्कुल, अगर मोतिहारी की बात करें तो 3 साल में 1 पुल नहीं बना है वहाँ, लिहाजा लोग जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर हैं। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। दूसरे किनारे पर खड़े लोग दौड़ते दौड़ते बचाने कूद पड़े। तब तक बाइक सवार एक शख्स बाइक समेत कुछ आगे तक बह चुका था। वो तो गनीमत है कि लोगों ने दोनों लोगों को जान पर खेल कर बचा लिया। बाद में पानी में डूबी बाइक पर रस्सा बांधकर उसे भी बाहर खींच लिया गया। मोतिहारी में कुंवारी देवी चौक के पास टूटे हुए इस डायवर्जन पर लगातार दूसरे दिन ऐसा हादसा हुआ। एक दिन पहले ही यहाँ पर प्याज से लदा हुआ छोटा ट्रक बह गया था। वो तो गनीमत है कि उसका ड्राइवर समय पर बाहर निकल आया और उसकी जान बच गई। जहाँ पर ये हादसे हो रहे हैं, उस डायवर्जन को इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पर 2017 में बाढ़ में पुल टूट गया था। लेकिन सरकारी लापरवाही देखिए कि 3 साल हो गए, आज तक वो पुल नहीं बना। एबीपी न्यूज रिपोर्टर में हम सिर्फ आपको देश भर से बड़ी खबरों पर 360 डिग्री कवरेज ही नहीं दिखाते हैं, बल्कि हम आपको इसके लिए जिम्मेदार कौन है ये भी बताते हैं। बिहार में बाढ़ का जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, ये चेहरे आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, संजय कुमार झा, जल संसाधन मंत्री बिहार के लक्ष्मेश्वर राय, डिजास्टर मैनेजमेंट मंत्री संजीव हंस, सेक्रेटरी जल संसाधन मंत्रालय। हर साल बाढ़ आती है बिहार में भी, 15 साल से सुशासन की बात करते आए नीतीश कुमार। प्रत्यम अमृत, मुख्य सचिव डिजास्टर मैनेजमेंट एम रामाचंद्र, अतिरिक्त सचिव डिजास्टर मैनेजमेंट श्याम बिहारी मीणा, संयुक्त सचिव डिजास्टर मैनेजमेंट। चाहे असम की बात कर लीजिए राजकिशोर, चाहे बिहार की बात कर लीजिए, बहाना कुछ भी हो, लेकिन लोगों की दिक्कतें हर मानसून के साथ ऐसे ही पानी के रूप में सामने आती हैं। बिल्कुल शोभना, क्योंकि प्रायोरिटीज में आम आदमी है नहीं। और हमारे साथ मोतिहारी से पंकज झा, दरभंगा से आदर्श सिंह और मधुबनी से निधिश्री लाइव रिपोर्टर मौजूद हैं ग्राउंड से। तो सबसे पहला सवाल हम अपने मोतिहारी से पंकज झा से पूछना चाहेंगे। तो पंकज जी, जो हमारे राजनीतिक संपादक भी हैं, आप देख रहे हैं कि लगातार आपको अपने गृह राज्य में पानी में घुटनों तक खड़े होना पड़ रहा है, कैसा ये, कब से ऐसी रिपोर्टिंग चलती चली आ रही? बचपन से आपने इस तरीके के दृश्य देखे और जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो भी पानी के बीच में खड़े होकर आपको माइक थामना पड़ रहा है? राजकिशोर, मैं अगर बात करूं 80 के दशक में जब इस इलाके में था और तब भी यही हालात थे, हर साल बाढ़ का रोना था। साल के करीब 1.5-2 महीने लोग बाढ़ में पड़े रहते थे और तमाम तरह की परेशानियां हैं। और आप जिस ब्रिज की बात कर रहे थे कि ये वही ब्रिज है जहां पे मैं खड़ा हूं, कुंवारी देवी डायवर्जन जो है, ये 2017 से पुल ये खराब पड़ा हुआ नहीं बना। जहां मैं खड़ा हूं ये डायवर्जन बना, लोग इधर से ही जाने लगे और उसके बाद हादसों की तस्वीरें आपने कुछ देर पहले देखी थी। सवाल ये है कि सिस्टम को, सत्ता में बैठे लोगों को क्या इस बात का एहसास नहीं था कि 3 साल में ये नहीं बन पाया, इसे बन जाना चाहिए था। कछुए की चाल से ये सरकार काम कर रही है और लोगों की जिंदगी मुसीबत में है। लाखों लोग बिहार में बाढ़ से बेहाल हैं, कई तरह की परेशानियां हैं राजकिशोर, और ये हर साल का रोना है। पता नहीं कब सरकार जागेगी। बिल्कुल पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ। और जिस तरीके की तस्वीरें आपके पीछे हैं बड़ी चिंताजनक है। दरभंगा से आदर्श सिंह भी मेरे साथ जुड़ेंगे, मधुबनी से निधिश्री भी हमारे साथ लाइव होंगी। लेकिन देखिए, बाढ़ से बर्बादी के जिम्मेदार चेहरे जो हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आदर्श का मैं रुक कर लेती हूँ। आदर्श, मैंने एक तस्वीर देखी कि एक बूढ़ी अम्मा की भारी पोटली आपने अपने सिर पर उठा के रखी, सलाम आपको। लेकिन जो हालात हैं, सरकार पूरी तरह से नाकाम। शोभना, ये शर्मनाक तस्वीर है क्योंकि 60 से 70 साल की बूढ़ी महिलाओं का अगर टोकरा जो है वो सर पर गठरी लेकर गुजरती है बाढ़ के पानी के बीच में, तो वो उन जिम्मेदार लोगों के लिए, उस इलाके के जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए, जिले के अधिकारियों के लिए, साथ ही साथ जो मुखिया है बिहार के, उनके लिए भी शर्मनाक है। क्योंकि आप सोचिए कि जिस बिहार में सुशासन की बात होती है, उस बिहार में हर साल बाढ़ आती है, कोई नई बात नहीं है। हर बार दोष दिया जाता है कि नेपाल के पानी से बाढ़ आ रही है, हिमालय की नदियों से बाढ़ आ रही है। और मैं आपको ठीक पीछे दिखाता हूँ, मैं इस जगह पर आया नहीं हूँ,
मैं जिन रास्तों से गुजर रहा हूं ये उन रास्तों की तस्वीरें हैं। अगर आप कहीं भी बिहार में खड़े हो जाएंगे तो आपको ऐसी तस्वीरें दिखाई देंगी। और बड़ी ही दुखद बात है कि कल ही दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में दो किशोरों की बाढ़ में डूबने की वजह से मौत हो गई है। आप सोचिए जिस इलाके में बाढ़ एक नियति है, जिस इलाके के लोग बाढ़ से हर साल जुड़ते हैं, बिल्कुल आदर्श है जो वो इस तरीके के हो गए। जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं और जो पोटली आपने अपने सिर के ऊपर रखी थी, वास्तव में वो असफलताओं की टोकरी थी उस सरकार की, उस व्यवस्था की। और हमारे साथ हमारी सहयोगी मधुबनी से निधि से जुड़ गई है। निधि, मधुबनी का क्या हाल है? जरा नाम तो बहुत खूबसूरत है लेकिन वहां परिस्थितियां कैसी हैं, जरा उसका भी मुजाहिरा करवाइए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने जिन 11 जिलों को बाढ़ प्रभावित बताया है उसमें सबसे दुखद बात यह है कि मधुबनी जिले का नाम नहीं आता है। यानी बिहार सरकार के मुताबिक इस इलाके में बाढ़ प्रभावित लोग जो हैं वो नहीं है या कम होंगे। अब जरा पीछे की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, तमाम लोगों को देखिए कि किस तरीके से ये जो तमाम लोग हैं वो ये देखिए, ये जो तमाम लोग हैं वो पीछे की तरफ देखिए, जरा पानी आप हट जाइए सर। ये देखिए पीछे नाव है और ये पुल नहीं बना हुआ है। अब जो डाइवर्जन रोड है फ्लड अफेक्टेड वो पूरा पानी है। मतलब मैं जिस इलाके में हूँ यहाँ पर अधवारा समूह की नदियां बहती हैं और सभी नदियां जो है धौस बूढ़ी ये दोनों नदियां खासतौर पर इस इलाके में बहती हैं और दोनों ही रेड अलर्ट के ऊपर बह रही हैं। इस इलाके में लोगों के पास सिर्फ नाव ही सहारा है। इन तमाम लोगों को देखिए जो जिनको डेली आना जाना पड़ता है और सभी के लिए सिर्फ नाव सहारा है और यहाँ पर लाखों की आबादी जो है वो बाढ़ से पीड़ित है। तो इस तरीके की तस्वीर मधुबनी जिले में ही मिल रही है जो जिला सरकार के मुताबिक बाढ़ प्रभावित है ही नहीं। ये तस्वीर पीछे की जो है वो सब कुछ बयां कर रही है। बिल्कुल निधि, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं और बयान यही कि सरकारें किस तरह से असफल हैं। भले एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ते रहिए, आरजेडी को जिम्मेदार ठहराते रहिए, लेकिन नाकामी ये इस समय जेडीयू और बीजेपी की सरकार की। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग किस कदर मुसीबत में हैं इसकी एक तस्वीर दिखी बिहार के पूर्वी चंपारण में। जी, बाढ़ से घिरे गांव में एक गर्भवती महिला को एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। जिस बोट से रेस्क्यू किया गया उसी में महिला ने बेटी को जन्म दिया। उफनती हुई नदी, उस पर सर पर भागती एनडीआरएफ की बोट और तभी बोट पर ही गूंज उठी किलकारियां। जिस गर्भवती महिला को एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचा रही थी उसने बीच नदी में चलती हुई बोट पर एक बच्ची को जन्म दे दिया। ये सब हुआ बिहार के पूर्वी चंपारण के बंजरिया प्रखंड के गोबरी गाँव में। रीमा देवी नाम की 25 साल की गर्भवती महिला के साथ एनडीआरएफ की टीम ने एक आशा वर्कर और महिला के एक परिजन को भी बोट में बिठाया था। बोट जब गुरही गंडक नदी के बीचों बीच थी तभी गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा उठी। एनडीआरएफ की टीम ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बोट में ही डिलीवरी कराने का फैसला किया। बाद में जच्चा बच्चा दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां दोनों की हालत अब ठीक है। बिहार में बाढ़ की विभीषिका के बीच बोट पर महिला की सुरक्षित डिलीवरी की खबर राहत देने वाली है, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि बिहार में बाढ़ की त्रासदी के बीच लोग किस कदर मुश्किलों में घिरे हुए हैं। तो बाढ़ ने तमाम सरकारी इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। राजकिशोर, तस्वीर नहीं बदलती, मुख्यमंत्री का चेहरा जरूर बदल जाता है साल बदर साल। बिल्कुल, जैसे बिहार के सीतामढ़ी अस्पताल में किस तरीके से कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, वहां 3 दिन से बरसाती पानी जमा है। पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है, ना ही कोई सुध लेने वाला है। देखिए इन तस्वीरों को। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको फटाफट समझा देते हैं कि ये जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, चाहे आप सीतामढ़ी की बात कर लीजिए, आप मधुबनी की बात कर लीजिए, राजकिशोर 50 साल हो गए यही तस्वीरें हैं, आजादी हुए हुए हमें इतने साल मिल गए। ये देखिए जो ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं शोभना, बात वही जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बस कुछ चेहरे बदलते हैं लेकिन जमीन की तस्वीर नहीं बदलती है। बिहार में बाढ़ से कितनी बर्बादी आप देख सकते हैं कि 1953 से लेकर 2019 तक औसतन कितना नुकसान होता है कि 47 लाख हेक्टेयर प्रभावित क्षेत्र होता है, प्रभावित जनसंख्या 3 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं और फसल की बर्बादी 24 लाख हेक्टेयर, और वहां पर इतनी बर्बादी होती जहां पर लोग भुखमरी के भी शिकार होते हैं। बिल्कुल, 1953 से 2019 तक का सालाना औसत नुकसान हम आपको दिखा रहे हैं। अगर घरों के नुकसान की बात करें तो 14 लाख घर, अंदाजा लगाइए 3 करोड़ लोग तबाह होते हैं हर साल। पशुओं का जो नुकसान है वो 10,105, गरीब आदमी की पूरी जिंदगी लग जाती है एक घर बनाने में, पशु खरीदने में, अपनी खेती चलाने में, इंसानों की जान 1400 से ज्यादा। लेकिन इस देश में शायद इंसान की जान की कोई कीमत ही नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति का जो नुकसान है वो 1037 करोड़,
इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं राजकीय? बिल्कुल शोभना, आप देखिए कि प्रधानमंत्री योजना चला रहे हैं कि 2022 तक सबके सिर पर छत हो जाए, लेकिन अगर छत हो जाएगी तो नींव भी नहीं रहेगी, तो ऐसी छत कहाँ बचेगी, ये सोचने वाली बात है जब तक कि व्यवस्था दुरुस्त और चुस्त नहीं होगी। हाँ, और दुख की बात यह है राजकिशोर कि सरकार किसी की भी आती है, ठीकरा पिछली सरकार पर फोड़ा जाता है। ये देखिए, सबसे बड़ा चेहरा सुशासन की बात नीतीश कुमार लगातार करते रहे, बाढ़ से बर्बादी के जिम्मेदार हैं ये चेहरे। बिल्कुल, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 15 साल लगभग जो है, डेढ़ दशक से आप बिहार की सत्ता पर आसीन हैं, इनके प्रकार ने चाहे जैसे भी रहे हो, लेकिन दोषी पूर्ववर्ती सरकार है। ये सोचने वाली बात है कि अगर आप 15 सालों में थोड़ी भी तस्वीर नहीं बदल पाए, हम और आप शोभना कब से इस तरीके की तस्वीरें देखते चले आ रहे हैं, ऐसी खबरें लिखते चले आ रहे हैं, ऐसी खबरों की रिपोर्टिंग करते चले आ रहे हैं, कुछ तो तस्वीर बदले, कुछ तो आपने किया होता, सुशासन जो आपको नाम दिया गया था उसका कुछ तो आपने रखा होता। बिल्कुल राजकिशोर, और सुशील मोदी तो अस्पताल नहीं है, उसके लिए भी जिम्मेदार लालू यादव को ठहरा रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौट के आ रहे हैं। एबीपी रिपोर्टर्स, कहीं मत जाइए, अगली बड़ी खबरों पर होगी नजर।